अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार उड़द दाल और अंडे की रेसिपी, जिसका नाश्ता बनाकर अगर आप खाएंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। और ये हमने हरे धनिया की चटनी भी साथ में सर्व की है। आइए तो इसे बनाने के लिए हमने क्या क्या सामान लिया है आपको दिखाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये तो बनाना शुरू करते हैं उड़द दाल से नाश्ता, जिसको हम अंडे के साथ बनाएंगे। इसका हम आमलेट बनाएंगे। ये देखिए, हम उड़द दाल को अच्छे से पीस लेते हैं। ये दाल हमने 2 घंटे पहले पानी में डाल दी थी, अच्छे से धो के साफ करके, और अब इसे हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे बिल्कुल बारीक। ये देखिए, हमने अपनी दाल पीस ली है और थोड़ी बची उसे भी पीस लेंगे। हमने 1 कटोरी दाल ली थी तो पानी में डाली थी, करीब हमारी 150 ग्राम के करीब दाल थी। आइए इसे निकाल लेंगे। बाकी बची हुई दाल को भी हम इसी तरीके से पीस लेंगे। आइए इसमें 2 अंडे डालेंगे। देखिए, 2 अंडे डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच ये भुना पिसा जीरा है ये डालेंगे। आइए, ये शिमला मिर्च है ये डाल देंगे, जो हमने बारीक बारीक काट ली है। ये टमाटर है ये डाल देंगे। ये प्याज है, एक हमने मीडियम साइज की प्याज कट करी है और 1 से कम शिमला मिर्च डाली है, और 1 टमाटर हमने मीडियम साइज का कट किया है, और ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं ये डाल देंगे, और ये थोड़े हरे धनिया के पत्ते ये डालेंगे, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ज़्यादा गाढ़ा भी बैटर नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी इसे नहीं करना है हमें, ज़्यादा थिक नहीं करना और बहुत पतला भी नहीं करना है इसे। ये देखिए, 1/4 चम्मच हम इसमें खाने का सोडा डालेंगे, ये बेकिंग सोडा है, और अच्छे से मिला लेंगे इसको सबको, और फिर आपको बनाकर दिखाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। हम अपने तवे को गरम कर लेंगे और अच्छे से तेल लगा लेंगे चारों तरफ, और इसमें से ये बैटर लेंगे। 2 चमचे हमें डालना है, और इसे अच्छे से फैला देंगे। गैस को मीडियम रखेंगे और इसको ढक देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। आइए, इसको 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, आइए देखते हैं इसको। ये देखिए, ये अच्छे से पक गया। इसको थोड़ा तेल डाल देंगे और इसको पलटेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, और इसे फिर से ढक देंगे 1 मिनट के लिए। ये देखिए, हमने लो से थोड़ा तेज गैस कर रखा है, यानी मीडियम से कम है,
आइए एक मिनट, हमारे इसको हो चुका है, देखते हैं कैसे बना है। ये देखिए एकदम बढ़िया बना है ये भी। इसको हटा देंगे, अब हम दूसरा बनाएंगे। आइए दोबारा डालते हैं, हमें दो ही घर के डालना है। अच्छे से फैला देंगे, या अंडा हमने दो डाले हैं, आप अंडे तीन डाल सकते हैं, उससे भी बिल्कुल नहीं चिपकेगा तवे पे, बहुत आसानी से ये बन जाएंगे। और अगर नॉन स्टिक तवा है फिर तो ये चिपकेगा ही नहीं। इसे ढक देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए। आइए इसको भी पलट देंगे, लेकिन इससे पहले हम तेल डाल लेंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा जल गया है, ढक देंगे इसे भी 1 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा ये वाला भी बनकर तैयार हो चुका है। इधर से देखिए हमारा कलर कितना प्यारा आया है, इसको हटा देंगे। ये देखिए हमारे सभी ऑमलेट चीले बनकर तैयार हो चुके हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, जितने देखने में टेस्टी हैं उससे भी ज़्यादा खाने में टेस्टी हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।